वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. बहुत बहुत खैर मकदम आप सबका हमारे वीकली शो रूबरू में. जिस तरह से आपसे वादा किया था कि हमेशा हर हफ्ते कोशिश होती है आपके सामने खास मेहमान लाने की, तो इस बार फिर से एक बहुत खास मेहमान के साथ हम आपको रूबरू करवाने के लिए लाए हैं, जिनका नाम है कुरत मसूदी जी. कुरत मसूदी जो है एक ऑर्गेनाइजेशन की चेयरपर्सन है जिसका नाम है आर्श, और ये एक बहुत ही फेमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कश्मीर में बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत वक्त से एस्टैब्लिश्ड है. तो आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं. बहुत बहुत खैर मकदम आपका हमारे प्रोग्राम में. बहुत बहुत शुक्रिया ANN का कि आपने मुझे इस काबिल समझा और आपने मुझे यहाँ बुलाया. कुरत जी, पहले अपने बारे में हमें थोड़ा बताएं. आप आर्श की चेयरपर्सन हैं, बहुत काम किया है इस ऑर्गेनाइजेशन ने पूरे कश्मीर में, खसूसन श्रीनगर में, बड़गाम में. किस तरह से, हाउ डिड आर्श कम इन टू एग्जिस्टेंस? मैं थोड़ा बहुत अपने बारे में बताना चाहूँगी कि मुझे मेरी मदर ने जो है पाला पोसा है, बड़ा किया है. एंड माय पेरेंट्स गॉट सेपरेटेड व्हेन आई वाज जस्ट 8 months. एंड माय फादर बीइंग एन इस्लामिक स्कॉलर, बट अनफॉर्चुनेटली यू नो थिंग्स डिड नॉट गो वेल. एंड तो बचपन से ही आप समझे कि मेरे जहन में आई वॉन्टेड टू डू समथिंग फॉर वेमेन हु आर यू नो हु गोइंग थ्रू अ टफ टाइम, बिकॉज यू नो आई हैव ऑलवेज सीन माई मदर स्ट्रगलिंग. मैंने अपनी वालदा को जो है हमेशा जो है स्ट्रगल करते हुए देखा है, हमारे लिए, मेरे भाई के लिए, मेरे लिए. तो और ख़ुद जो है मैंने महसूस किए हैं अनडाउटेडली. मैं आपसे कहूँ मंजोत जी कि मेरी वालदा जो है उन्होंने कभी इस चीज़ का हमें जो एहसास नहीं होने दिया कि वो अकेली लड़ रही हैं हमारे लिए. बट फिर भी यू नो कोई कोना जो होता है वहाँ पर, वो जब आप थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो आपको एहसास होता है कि कुछ तो कुछ मुख्तलिफ है मेरी ज़िंदगी में. तो वैसा ही मेरे साथ भी हुआ कि जो वो मुख्तलिफ, अब दो चीज़ें होती हैं अपने आप को जब आप मुख्तलिफ पाते हैं औरों से. या तो ये होता है कि आप सिमट कर रह जाते हैं और एक कोने में छिप जाते हैं जिसे आप कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं, या तो आप ये कहते हैं कि मैं मुख्तलिफ हूँ तो मैं बेहतर हूँ. शायद बेहतर ऐसा नहीं है कि सुपीरियॉरिटी है, बट ऐसा है कि मैं मुख्तलिफ हूँ तो मैं औरों से कुछ बेहतर कर सकता हूँ. तो आई थिंक मेरी ज़िंदगी वैसे शुरू हुई कि जो और लोग मेरे जैसे हैं, मेरे जैसे नहीं तो somehow मेरे हालात जो हैं उनके साथ जो हैं somehow किसी तरीके से मुझसे जुड़े हुए हैं, तो उनके साथ जो मेरे साथ हो रहा है वो उनके साथ ना हो. वो कहते हैं ना कि यू नो यू कैन ओनली बी काइंड when you have gone through a certain situation, you know, you similar go through a certain situation and if the other person is suffering, when you have seen the suffering you can understand what is, you know, what suffering means. So that is how, like, from my childhood I have been a student of Mallinson. Maine Mallinson, man, I am really thankful to my school for you know teaching me the etiquettes, jo etiquettes aur jo social work ka jazba. जैसे हम सब जानते हैं कि मिशनरीज में एक चीज़ बहुत अच्छी होती है कि आपको सोशल वर्क का मतलब जो है वहाँ पे आप समझ जाते हैं. तो मैलिनसन के बाद फिर मैं लॉ परस्यू करना चाहती थी, बट मेरी वालदा जो है बिल्कुल इसके यू नो उनका जो ओपिनियन है मुख्तलिफ था, और वो चाहती थी कि मैं या तो डॉक्टर बनूँ या तो इंजीनियर बनूँ, क्योंकि मैं उस जनरेशन से हूँ जब डॉक्टर और इंजीनियर होना एक यू नो शायद अभी भी आई होप वैसा माइंडसेट अभी ना हो. तो समहाउ लाइक यू नो फॉर दी सैटिस्फैक्शन, फॉर माय मदर सैटिस्फैक्शन, मैंने कहा चलो ये तीर भी आजमा लेते हैं. तो मैंने एक इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखला लिया और वो मेरे लिए एक नाइटमेयर था. तो मैं पहली बारी खुलासा कर रही हूँ क्योंकि आप हैं और समहाउ मैंने आपसे कहा कि आपको देखकर आप दिल के करीब हो गए, आपसे इससे पहले बात हुई. तो दैट टर्नड आउट बी अ नाइटमेयर फॉर मी. मतलब इतना बायस, और जब आप बायस देखते हैं, वो देखते हैं, ये देखते हैं, और मैं कभी इंजीनियरिंग में जाना ही नहीं चाहती थी पहले ही. मैं मतलब प्रॉब्लम्स हो गई तो मैंने कहा भैया मैं ये कहाँ आ गई. तो
कभी इंटरनल्स का प्रॉब्लम हो जाता और वो हो जाता और उसकी वजह से एक्सटर्नल्स पे असर पड़ता, तो मैंने कहा शायद ये मेरे लिए, मैं जानती हूँ ये चीज़ मेरे लिए नहीं बनी है। तो सम हाउ 8 सेमेस्टर तक यू नो कैसे करके करते 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 मैं पहुँच गई, बट मुझे लगा कि मुझे ये नहीं करना एंड आई लेफ्ट इट एंड सम हाउ आई डिड नॉट वॉन्ट टू यू नो सी दैट प्लेस Your college, you mean? Yeah, I did not want to see that place. And I realized and I said, nothing doing, I am not doing this. And I immediately started, you know, मुझे लगा कि मुझे कुछ और करना है. और कुछ और के साथ ये लगा कि मुझे social work करना है. तो immediately मैं एक research, छोटी मोटी research में जाना मैंने शुरू किया. और मैं एक ऑर्फनेज में गई जहाँ के हालात वैसे नहीं थे जैसे एक ऑर्फनेज में होने चाहिए, जनरली एक इंस्टीट्यूशन में जैसे होना चाहिए. और उसके बाद मैं बहुत अपसेट रही बिकॉज यू नो मेरी मदर ने और मेरी मदर की फैमिली जो थी उन्होंने हमें इतना प्रोटेक्टेड रखा हुआ था. आई एम सो ग्रेटफुल टू माई मदर्स फैमिली एंड माई मदर, यू नो दे केप्ट अस सो प्रोटेक्टेड के मुझे लगा इनके साथ तो बहुत ज़्यादा, सो आई कुड एक्चुअली मेक आउट कि मेक यू नो अंडरस्टैंड कि इनके साथ ज़्यादा हो रही है और ये नहीं होनी चाहिए. और फिर मैंने मेरी मदर से बात की जो मेरे बहुत नज़दीकी है, बहुत करीब है मेरी माँ के. अभी अगर मेरी माँ के बाद मेरे कोई करीब है तो वो मेरी भाभी हैं, मेरे भाई की जो वाइफ है. तो मैं मदर के पास गई और मैंने मदर से कहा कि ऐसे, तो माई मदर सेड यू नो डोंट think about like a you know like typical it's mother. Like a typical yeah mother. Like a typical conservative family. She said no you can't be talking about it, you just you know keep quiet and you know you have to continue with your studies and all that. And I told her, I said no, but I want to do something else. This is, that is not what I wanted to do. You forced me to do that. I want to do this. This is the field. And you know Manjut, aap ko ek andar se vibe aa jati hai jab aap When you're at the right place. Yeah, जब आपको ऊपर वाले ने किसी चीज के लिए जो है मुंतखब किया होता है, चूज किया होता है, तो आप somehow जब आप कहीं और होते हैं तो आपको लगता है this is not for me, this is not. And when I you know went to these orphanages and I sat with these children, I was like this is what I you know I'm here for, this is what I want to do. And I can't be seen. Somehow I had this you know this feeling that injustice का मुझे बड़ा वो था कि गलत हो रहा है, सही हो. I mean I was always like that. तो उसके बाद I told my mother and she was, I can't tell you how against she was, like I think almost a year she, I mean we would speak very, मतलब बहुत कम बात करते थे. और मेरे जो भाई हैं वो he's a professional, he's a you know plastic surgeon, like you know I come from a family, an educated family, so my brother was also not happy. So I was like, what do I do? But you know, I need to do this. So, जब आप किसी चीज़ के लिए बने होते हैं तो ऊपर वाला भी somehow मुश्किलात आते हैं, बेशक मुश्किलात तुम का सामना आपको करना पड़ता है, but somehow आप पहुँच ही जाते हैं कहीं ना कहीं. तो I somehow you know I literally fought and I told my mother and then I invited my mother. My mother was still in service, so she was a teacher. She is a retired you know teacher. और मैंने आपको उनको बोला कि आप मेरे मेरे साथ एक बारी आ जाइए. तो माई मदर केम सम हाउ आफ्टर लाइक यू नो आफ्टर मिलियन रिक्वेस्ट शी केम विद मी एंड शी सम हाउ फेल्ट दैट यू नो माई डॉटर इज डूइंग ओके. एंड आई केम अप विद द कॉन्सेप्ट ऑफ यू नो आश, आश द होप ऑफ कश्मीर. अब आपको बहुत सारे आश मिलेंगे बट माई ऑर्गेनाइजेशन इज आश द होप ऑफ कश्मीर. तो एंड दैट इज हाउ आई स्टार्टेड आश and I started working. और मेरा यही था कि मुझे पहले तो ये था कि मुझे बच्चों के लिए लड़ना है, ये जो बच्चों के साथ injustices हो रही हैं और लोगों को शायद मालूम नहीं है, या शायद लोगों को मालूम भी था और यू नो हमको आदत है कि हम आँख बंद कर लेते हैं. वी बिहेव लाइक यू नो आई ऑलवेज से आई मीन यू नो वी बिहेव लाइक ostriches. तो हम अपना सर जो है वो जमीन में सैंड में डाल देते हैं और हम अपने आप से ये कहते हैं कि कुछ नहीं हो रहा, वेर एज चीज़ें जो है दरहम बरहम हो रही होती हैं. तो और मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो अपना सर ऑस्ट्रिच की तरह उसमें डाल देते. तो आई केम अप विद दिस कॉन्सेप्ट
And I mean, in my from my father's side, there's one person who is very close to my heart, my uncle. And तो मैंने दूसरे मेरे ताया से बात की और यू नो आई फाउंड आउट कि यू नो ही वाज एनकरेजिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. तो आई केम अप विद आश इन 2011. सबों ने बोला तुम अभी बहुत छोटी हो. अच्छा, उस वक्त पे सोशल एक्टिविज्म और सोशल एक्टिविस्ट लड़की होना, 2011 की बात कर रही हूँ, लड़की होना वो भी इतनी कम उम्र में बहुत बड़ा चैलेंज था, बहुत बड़ा चैलेंज. मैं उन सहाफ़ी का नाम नहीं लूँगी, बट एक सहाफ़ी थे, उनने मुझे कहा, कुरत तुम जानती हो तुम क्या कर रही हो, क्या करने जा रही हो, तुम्हारी उम्र अभी बहुत कम है, तुम जानती नहीं हो कितनी चैलेंजेस का सामना तुम्हें करना पड़ेगा. पहले ही और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओस हैं, उन्होंने अपना नाम बहुत ख़राब किया है, कोई ग्राउंड पे काम नहीं कर रहा है. तो तुमने दो चीज़ें करनी है. पहले तो जो नाम ख़राब हो चुका है उसको, वो कहते हैं ना, वो बिल्कुल मश्क साफ करनी है तुम्हें, और फिर अपना नाम लिखना है. क्या कर पाओगी? तो मैंने कहा कोशिश करते हैं अल्लाह का नाम लेकर, और मैंने वो कोशिश 2011 में की. और उसके बाद मैंने डिपार्टमेंट ऑफ साइकाइट्री के साथ, क्योंकि मैं अब जान चुकी थी कि ऑर्फनेजेस में यू नो हमें कैसे, हाउ टू गो अबाउट इट, सो वो रोड मैप ऑलरेडी मैं एक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यस. तो वो एक रोड मैप थोड़ा बहुत मैं बना चुकी थी एंड आई न्यू हाउ टू गो अबाउट इट. तो वी डिड अ रिसर्च अंडर डॉक्टर मुश्ताक मरगूब एंड अ फ्यू डॉक्टर्स वर विद मी. आई वॉज देयर, आपको नेट पे मिलेगी, और डॉक्टर तजमुल वॉज देयर, वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, मेरे भाई जैसा है, तो ही वॉज देयर. तो हमने एक रिसर्च की जिसमें हमारा रिजल्ट बहुत ख़राब आया. अच्छा, इस रिसर्च के दौरान जो है ऑर्फनेजेस विजिट करना पड़ता था, और जब मैं एक ऑर्फनेज में गई तो मैं जब वहाँ पहुँची तो मैंने देखा सब बच्चे जो हैं बिल्कुल खड़े हैं. वन ऑफ द चिल्ड्रन ही वॉज ब्लीडिंग, खून बह रहा था उसकी बाजों से. तो मैं बहुत परेशान है, नोबडी टेकिंग केयर ऑफ हिम. नो, ही वॉज, द गाय वॉज बीटिंग हिम. Oh, you saw that happening. Yeah, I saw that happening and I could not take it. I was like, I am, and I asked him, I was like, you know, I was like so perplexed. I was like, what is happening? And he said, nahi ji, ye padhte nahi hai, koi to cigarette pee raha hai, koi to ye kar raha hai. To main gayi bachchon ke paas. Achha, jiske liye, jiski complaint ki inke owner ne, matlab orphanage owner ne, main uske paas gayi, maine kaha, kyun cigarette pee rahe ho? Tum to abhi bahut chote ho. To I found out, usme ek samandar tha. उस बच्चे में रोने लग गया, सब रोने लग गए कि हमारे सन ज्यादतियाँ हो रही हैं, बट फिर चुप हो गए, बिल्कुल खामोश. तो मुझे लगा एक थोड़ा बहुत बोल ही गए, बट देयर इज मोर, दे हैव मच मोर टू से. एंड यस, दैट इज हाउ आई यू नो वेंट अबाउट इट. एंड आई वेंट टू पुलिस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. तो कुछ कॉपरेशन वहाँ से हुई नहीं. देन आई वेंट टू ह्यूमन राइट्स कमीशन. मुझे अभी भी याद है तारिक भांडे साहब हुआ करते थे सेक्रेटरी, अल्लाह ताला उनको बहुत सेहत से नवाजे, काफ़ी मदद की उन्होंने, एंड वी गॉट द ऑर्फनेज क्लोज डाउन. और फिर आई वुड ऑलवेज यू नो पीपल वुड आस्क मी दिस क्वेश्चन कि ऑर्फनेज तो बंद करवा रही हूँ, कोई अल्टरनेट रास्ता है तुम्हारे पास, कहाँ भेजोगे इन बच्चों को? तो भाई मैंने कहा ये तो बहुत वैसा सवाल है, पूछने वाला सवाल है. तो मैं सोचने लगी कि क्या किया जाए. तो बच्चों का ये है कि, तो मैंने फिर पता करना शुरू चालू किया कि क्यों जो है ये बच्चे ऑर्फनेजेस में आते हैं, उनके घर पे कौन कौन होता है, और ये ऑर्फनेजेस जो हैं यू नो हाउ डू दे ऑपरेट एंड हाउ डू दे वर्क. सो आई एक्चुअली वो जो डिसेक्शन होता ना, जब डॉक्टर्स डिसेक्ट करते हैं, तो वैसे मैंने डिसेक्शन किया इस चीज़ का. और उसके बाद मुझे पता लगा कि ये जो जनरली जो ये बच्चे हैं जो कि यतीम है, सब बच्चे ऑर्फनेजेस में यतीम नहीं होते पहले. तो अब जो इसको आप यतीम कहेंगे, आई मीन इट्स अ वेरी, आई मीन आप उनको यतीम कह भी सकते हैं या नहीं कह सकते हैं, बिकॉज यतीम जनरली जिनके दोनों पेरेंट्स नहीं होते, बट इनके जनरली मदर्स होती हैं. अब मदर्स का ये मसला होता है कि जैसे आप जानते हैं हमारी सोसाइटी में क्या होता है, शौहर का इंतकाल हो गया तो, यहाँ तो इंतकाल नहीं भी हुआ होता तो क्या हाल होता. अब आप सोचे जब इंतकाल हो जाता है तो उसकी हालत क्या हो जाती है, और ख़ासकर वो औरत जो अनपढ़ हो, जो पढ़ी लिखी ना हो, जिसको समझ ना हो सोसाइटी की, तो उसको तो जितना दबाओ तो उसको तो दबाते ही रहते हैं.
तो देन आई स्टार्टेड विजिटिंग दीज वेमेन एंड आई फाउंड आउट दैट यू नो देर आर मेनी वेमेन हु आर एक्चुअली वेरी स्किल्ड, जिनमें यू नो जो तिल्ला जो हमारा जो ओपरा विनफ्री जो पहन चुकी हैं, जो यू नो बहुत मशहूर जो एम्ब्रॉयडरी है हमारे यहाँ की, तिल्ला और सोजनी और कहाँ कहाँ पश्मीना नहीं जाता, हमारा हैंडीक्राफ्ट नहीं जाता, ये बहुत सारी औरतें जानती हैं। तो पहले तो मैंने सोचा जो भी बच्चे हैं जो भी मेरे पास आते हैं या यू नो आए उस टाइम पे, तो मैंने सोचा पहले उनका एजुकेशन, काफ़ी सालों का फूड जो है उसको कवर अप किया जाए। तो काफ़ी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कश्मीरी लोगों की, बहुत शुक्रगुजार कि कैसे उन्होंने मुझे, देखिए मंजोत जी मैं इस फील्ड से शायद मैं भी निकल चुकी होती, मैंने भी छोड़ दिया होता, कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिली जहाँ पर यू नो मैं ये फील्ड छोड़ सकती थी, और मैं बिकॉज़ यू नो माय फैमिली वाज आफ्टर मी दैट यू नो कश्मीर में नहीं रहना, बट लोग थे जिन्होंने मुझे इनक्रेज किया, मासेस ने मुझे इनक्रेज किया है, बिकॉज वी आर नॉट फंडेड विद बाय गवर्नमेंट, वी आर फंडेड बाय यू नो कंपनीज, देयर CSR, यू नो दे नो वी आर वर्किंग, सो दे सपोर्ट अस विद देयर CSRs। तो यहाँ पर सर्वाइव करना कोई मामूली बात नहीं है, लोग यू नो लोग जो हैं कैसे सामने आते हैं, जब आप यकीन माने कश्मीरियों का दिल बहुत बड़ा है, तो वो जब सामने आते हैं और यू नो दे हेल्प यू व्हेन दे नो यू आर वर्किंग, दे हेल्प यू विद यू नो एनीथिंग, उनके जेब में 100 रुपया होगा 10 रुपए, इफ यू हैव ऑलरेडी प्रूवन योरसेल्फ, बट यू हैव टू प्रूव योर मेटल, दैट्स एब्सोल्युटली राइट। तो वैसे करके ऑर्फनेजेस जो है, मैंने काफ़ी सारे ऑर्फनेजेस बंद करवाए हैं, और आपको मैं ये भी कहूँ कि मैं वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है पहली ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एक ऑर्फनेज पे जो है मैंने कंप्लेंट की और मैंने उसको बंद करवाया, अदरवाइज नोबडी वुड डेयर एंड पॉइंट टू पॉइंट अ फिंगर अगेंस्ट। सो दिस इज हाउ आश केम टू एग्जिस्टेंस। यस दिस इज हाउ। मैं अपनी टीम से बोल रही थी ऑलरेडी जब हम लोग बातचीत कर रहे थे कि यू जस्ट यू नो स्टार्ट ऑफ द कैमरा एंड एक रैंडम चैट भी हमारी जो कि वो लोगों के लिए बहुत अच्छी होगी। आई वाज सो मच एंजॉयिंग टॉकिंग टू यू ऑलरेडी। सो कुरत, यू आर वर्किंग फॉर विडोज, विडो एम्पावरमेंट, राइट? हाउ एग्जैक्टली आर यू डूइंग इट? आई मीन आप कहती हैं कि एक आपको खास अटैचमेंट है विद द विडो राइट कम्युनिटी, हाउ डू यू डू इट, हाउ आर यू एम्पावरिंग देम? मैं जैसे आप सभी कह रही थी कि ये एक प्रोजेक्ट है, ये मेरे लिए एक मिशन है मंजोत, ये एक वो कहते हैं ना कि ये एक मुझे एक रेवोल्यूशन लाना है, तो ये एक शुरुआत है, बट उस रेवोल्यूशन के लिए भी आपको एक शुरुआत करनी पड़ती है। तो आई स्टिल थिंक व्हेन पीपल टेल मी दैट ओ यू हैव डन अ ग्रेट वर्क, यू हैव डन अ ग्रेट वर्क, सो आई से यस, बट आई एम नो आई हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क, आई एम जस्ट अ बिगिनर, आई हैव यू नो जो मैंने सोच रखा है बाकी सब तो अल्लाह ताला के हाथ में है, बट मुझे ये मिशन आगे चलाना है। वो जो आपने औरतों के बारे में बात कही कि मैं आपसे वही कह रही थी कि मेरी मदर जो है तालीम याफ्ता होने के बावजूद, जब मेरी मदर ने मेरी वालदा ने इतना सफ़र किया, यू नो मी कमिंग फ्रॉम अ क्लास वेयर यू नो मनी वाज नॉट एन इशू, वेयर एजुकेशन वाज देयर, माय फादर वाज अ स्कॉलर यू नो एन इस्लामिक स्कॉलर, ही न्यू द डूज एंड डोंट्स, he knew everything, but still I went through a bad phase, but still my mother went through a very tough time, do bacche hone ke bawajood she went you know she had to take all the challenges everything on all, she was just 28 and she had you know she was with two kids, nobody there for her, so main ye hamesha main shayad aap dekh rahe honge ki main zyada mention kar rahi hu isliye because main hamesha comparisons mein lagi hu, since you've been in that position you can actually empathize with people who are going through it. I was always comparing the situation that me coming you know us coming from a family highly educated, highly you know settled, but still we had to go through such a tough time. What about these people who are ignorant, who know nothing about who are not educated, who know nothing about their rights? Here I am talking about the rights because I know you know rights kya hai,
हालांकि आज एवरीथिंग इज ऑन योर फिंगर टिप्स. यू गो थ्रू अ बैड फेज. सपोज आपके ऊपर कोई केस है या डोमेस्टिक वायलेंस है या कुछ भी है, तो आप इट्स यूर एजुकेटेड, इट्स ऑन योर फिंगर टिप्स, आपको पता है आप क्या कर सकते हैं. बट जो पिछड़े हुए गाँव में रहते हैं वो नहीं जानते कि उनका राइट क्या है. तो इसलिए जो है इन औरतों के पास मैं गई और मैंने देखा ये किन सिचुएशंस का सामना कर रहे हैं, किन यू नो क्या क्या फेस कर रहे हैं. एंड आई थॉट यू नो वी नीड टू डू समथिंग फॉर देम एज वेल. दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू आई एम इनटू विडो एम्पावरमेंट, बिकॉज वेमेन एम्पावरमेंट इज अ ह्यूज टर्म. एंड आई जस्ट लाफ, आई मीन आई जस्ट यू नो I just smile when people say that, oh, we are working on women empowerment. I say women empowerment is a huge thing. You can't use it. You can't even say मैं जम्मू कश्मीर में काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ या कश्मीर में काम कर रहा हूँ. मैंने एक पर्टिकुलर इलाका लिया है और पिछले कितने सालों से मैं वहाँ पर अपना टाइम, अपना एनर्जी, पैसा, क्या क्या इन्वेस्ट कर रही हूँ और उसके बावजूद थोड़ी बहुत चेंज मुझे दिख रही है. सो yes, so working with these women, understanding their psyche, making them aware of their rights, encouraging them, you know, ki kya skill, pehle puchna ki kya skill, pehle to ye bolte bhi nahi hai ki kya skill, because they are so not confident about their idea, you know, about themselves, that you know you have to give them that confidence ki tum kar sakte ho. So yes, working with these women, as I said, when people asked me about, you know, these children, कैसे आप इनको ऑर्फनेजेस में नहीं जाने दोगे, तो मैंने कहा मैं इनकी माओं को जो है इतना काबिल बनाऊंगी, इनको जरूरत ना पड़े है, बट मैं ऐसा करूंगी कि जब तक वो बच्चा जो है माँ नहीं कर सकती है तब तक हम करते हैं. जब माँ अपने पैरों पे खड़े हो जाएगी उसको किसी की, ना आपकी ना मेरी ना अपने रिश्तेदारों की जरूरत होगी. और ऑल्सो मंजोत, देयर वाज दिस वन इंटरेस्टिंग थिंग दैट मेजॉरिटी ऑफ द वेमेन, you know, they are involved in skills जो कि dying है, जो कि यहाँ आप देखिए मशीन का काम आपको कहीं आजकल हाथ का नहीं मिलेगा, कहीं mostly नहीं मिलेगा. शादियों में वो फिरन बनाते हैं तो तब जाके हाथ का तिल्ला लगता है, वरना नहीं, क्योंकि मशीन से इतना टेक ओवर किया. तो मैंने कहा नहीं, आई नीड टू डू समथिंग फॉर देयर, यू नो. Halanki, I have just started with the project, but this is my dream. So you've been doing two things at the same time, no, reviving. It's three things. I've been doing community-based rehabilitation, their children. I've been doing widow empowerment, their, you know, work making them aware, and then is the dying art. For the reviving. Women, I am trying to provide a market for them, for their goods, for the stuff that they are making. So I'm actually marketing their stuff as well. And the dying art. Right. So, अभी जो है अभी बात चल रही है. We are, you know, I'm trying my level best कि बाहर लोगों से मेरी जो है बात हो रही है और कैसे market बनाया जाए क्या. और I am so thankful. I would like to mention हमने COVID में बहुत काम किया, हजारों PPEs बनाए, और उसमें हमने ना ही doctors, हमने video journalists और जो है फोटोग्राफर्स जो हैं, फोटो जर्नलिस्ट जो हैं, उनको और सफाई कर्मचारी को भी काफ़ी. मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं सब कुछ कवर कर पाई, बट हाँ, फिर वो हम जो वो काम है काफ़ी सारी लड़कियाँ अपने घरों पे करती थी. और वो पीपीज आपको अभी मार्केट में भी मिलेंगे. जो हमारा एक स्टोर है मदीना, आई मीन ही रावलपुरा में, ही आशनी सर, मैडम आपके पास जो भी काम होता हो वही मैं मंजोत आपसे कह रही हूँ कि अभी भी लोग, ऐसा नहीं है कि लोग जो है सिर्फ ऐसे लोग हैं जो आपको डिस्करेज करते हैं, ऐसे लोग भी हैं जो आपको एनकरेज करते हैं. गुड पीपल आउट देयर, गुड पीपल इन द सोसाइटी, एंड दैट्स हाउ वी आर वर्किंग राइट नाउ. सो वी आर बेसिकली गोइंग, यू नो, मैं वो ऐसी रैंडमली काम नहीं करती. वी आर फॉलोइंग अ पाथ, यू नो, अ रोड मैप. जैसे मैंने आपको बोला, आई हैव अ डेटाबेस ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, कौन औरत है, उसके कितने बच्चे हैं, किस क्लास में पढ़ते हैं, क्या करते हैं, पढ़ाई कैसी है, कितनी परसेंटेज होती है. सो वी नो दिस ऑल. और किस बच्चे को कल को हमें
जो है अगर हम सपोज 20 बच्चों को या 10 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इनमें से किस बच्चे का रुझान जो है पढ़ाई की तरफ है और किसका रुझान जो है किसी और चीज की तरफ है, क्योंकि आप पढ़ाई भी किसी पर थोप नहीं सकते. True. और आपको गवर्नमेंट जॉब्स भी यहाँ पर हर एक को मिलेंगे नहीं, सो यू हैव टू बी स्किल्ड एज वेल. तो उन बच्चों को कौन कौन सा स्किल हम दें वो भी बहुत जरूरी है. और हमारे जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे कश्मीर में लोग हैं जो छिपे हुए हैं, जिनको हमने जो छिपे हुए हैं, जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि नहीं चाहते कि उनका नाम आए, बट दे डूइंग देयर वर्क. बहुत सारे हमारे पास अभी स्टिचिंग सेंटर्स चल रहे हैं जहाँ पर लड़कियाँ सीखती हैं, जो right. अब या जो अब नहीं जानता, जो स्किल्ड नहीं है, उनको स्किल्ड कैसे बनाया जाए. तो वी आर इन्वॉल्विंग दीज वीमेन. एंड जो तिल्ला जानता है वो साइड अपने नेबर को या दूसरे मोहल्ले में कोई है तो उसको सिखा रहा है. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग अबाउट इट. सो कुरत, आपने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बोली और मैं भी अक्सर ये मेंशन करती हूँ कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को किस फील्ड में काम करना है उसके लिए एक रोड मैप होना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द वेरी वाइटल एस्पेक्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. हाउ डू यू सी सोशल वर्क एजुकेशन? मतलब बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन है कश्मीर की, खसूसन बात करें तो इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आती हैं जाती हैं बंद हो जाती हैं, जो एक्सपीरियंस के बेसिस पे भी काम करती हैं, लेकिन बहुत कम ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होंगी जिनके जो मेंबर्स हैं वो सोशल वर्क फील्ड में एजुकेटेड हो. हाउ डू यू लुक एट इट? देखिए, जब मैं सोशल वर्क में आई तो फिर मैंने एक्सपीरियंस भी गेन किया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. इट्स बीन मोर देन 10 ईयर्स नाउ. बट फिर जैसे मैं किसी को लास्ट टाइम एग्जांपल दे रही थी कि जब आपको मामूली सा सरदर्द हो जाता है तो आप एक फार्मासिस्ट के पास जाते हैं एंड ओवर द ही गिव्स यू अ सरदर्द की गोली और ही गिव्स यू अ कि आपको शायद जुकाम है या उसकी वजह से सरदर्द हो रहा है या स्टमक में अक्सर तो पेंटॉप देकर हुआ. कुछ चीज़ें हैं जिसके लिए आपको एक स्पेशलिस्ट के पास जाना ही पड़ेगा. तो मैं भी अक्सर कहा करती थी कि जो मदर टेरेसा हैं वो तो उन्होंने तो सोशल वर्क नहीं पढ़ा था, बट मैंने एक फेलोशिप की क्राई के साथ, जहाँ पर मुझे ये एहसास हुआ कि आपका एक सोशल वर्क, अगर आप सोशल वर्क कर रहे हैं, आप एक इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, आपका सोशल वर्क जानना पढ़ना कितना ज़रूरी है. एंड देन आई डिड माई बैचलर्स. काफ़ी सारों ने कहा तुम स्ट्रेट अवे गो फॉर मास्टर्स. मैंने बैचलर्स किया और कितने कॉन्सेप्ट्स आपको अपने जो है आपको एज अ सोशल वर्कर कैसे काम करना है, कैसे काउंसलिंग करनी Execution. है, कैसे किस पेशेंट को आपको सिंगली काउंसिल करना है, किसको आपको ग्रुप में काउंसिल करना है, किसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, आपको अपने एम्प्लॉयज के साथ इट्स अ साइंस. मैंने एम्ब्रियोलॉजी पढ़ी है. मैंने इसमें जब आप BSW पढ़ते हैं, बैचलर्स पढ़ते हैं, तो मास्टर्स में तो फिर वो नैरो हो जाता है, पर जब आप बैचलर आपको सब पढ़ना पड़ता है. वेरी मच एलैबोरेटेड. या इट्स एलैबोरेटेड. सो यस, आई हैड टू गो फॉर माय बैचलर्स इन सोशल वर्क एंड माय मास्टर्स. एंड इंशाल्लाह आई एम होपिंग दैट आई जॉइन PhD सोशल वर्क दिस ईयर. सो दिस इज हाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज़ एज गुड एज कि आपके पास, जैसे मैंने कहा कि आपके पास कोई मशीन है बट आपको पता नहीं है उसको चलाना कैसे है, आप उधर इधर का करके दैट इज हाउ यू डूइंग इट. इट्स एज गुड एज दैट. हम कर तो लेते हैं बट आई डोंट थिंक इट्स दैट सैटिस्फैक्ट्री अनलेस यू आर अ सोशल वर्कर. आई थिंक इफ यू हैव नॉट गेन प्रॉपर एजुकेशन इन योर ओन फील्ड, यू आर नॉट जस्टिफाइंग, वो आप अपनी फील्ड के साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे उस तरीके से. जो जब मैं इनिशियली आई तो काफी सारे मुझे लोग कहते थे अच्छा तुम सोशल वर्कर हो तो और क्या करती हो, बिकॉज हमको पता ही नहीं था कि सोशल वर्क जो है एक फुल फ्लेज्ड फील्ड है. इट इज अ फील्ड. यू द वे यू हैव डॉक्टर्स, द वे यू हैव इंजीनियर्स, द वे यू हैव टीचर्स एंड वट एवर, आप MEd के लिए जाते हैं, BEd के लिए, वैसे ही आपके पास सोशल वर्कर्स होने चाहिए हु आर लाइक इफ यू आर रनिंग सच अ ह्यूज थिंग, यू हैव टू बी एजुकेटेड एंड यू हैव टू हैव एन एक्सपर्टीज. राइट. जैसे मैं साइकाइट्रिक सोशल वर्क में बहुत इंटरेस्टेड हूँ, जैसे मैं साइकाइट्री में बहुत काम करती हूँ, तो ड्रग्स पे मैंने काम किया है. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव एन एक्सपर्टीज. फिर भी जैसे आपने मुझे कहा कि एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ वर्क जिसे कहते हैं कि आप एक एरिया
हमारे साथ जुड़ी हैं आज कुरत मसूदी जी, जो हैं चेयरपर्सन आश की. अपने बारे में हमसे बात कर रही हैं और बहुत सी इंटरेस्टिंग चीजें इनके बारे में पता चल रही हैं, और आई एम श्योर जो इनको देख रहे हैं, सिर्फ औरतें ही नहीं, सभी इनसे बहुत इंस्पायर भी होंगे. इसके साथ ही हम एक छोटा सा वक्फा लेंगे और बहुत जल्द आपके पास वापस लौटेंगे. आसिफ मेमोरियल हेल्थ केयर, जदीद तरीन आलात से लैस तशखीसी सेंटर, जहां पर निहायत ही माहिर और तजुर्बाकार एक्सरे टेक्नीशियन, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट और लैब टेक्नीशियन अपने फराइज अंजाम देते हैं. हमारे यहां डिजिटल एक्सरे, वीडियो HD एंडोस्कोपी, वीडियो HD सिग्मोइडोस्कोपी, वीडियो HD क्लोनोस्कोपी, यूरोफ्लोमेट्री, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट और हर किस्म की बायोप्सीज, FNACs, डॉपलर अल्ट्रासोनोग्राफी की सहूलियात भी दस्तियाब है. इसके अलावा हर मरीज के माहिर डॉक्टर साहिबान कंसल्टेशन के लिए दस्तियाब रहते हैं. आसिफ मेमोरियल हेल्थ केयर, पांडी मोहल्ला, हंदवारा, कश्मीर. तो नाज़रीन, बहुत बहुत इस्तकबाल आपका रूबरू में फिर से एक बार, और इस वक्फे के बाद आपको फिर से ले चलते हैं हमारी आज की गेस्ट कुरत मसूदी जी के पास. तो कुरत, एक और एक फील्ड में आप काम कर रही हैं जिसमें आपने अपना बहुत नाम भी बनाया और बहुत लोगों के लिए मसीहा भी बन के आप सामने आई, दैट इज़ डोमेस्टिक वायलेंस, जो कि कश्मीर में इज़ ऑन अ यू नो ह्यूज राइज. आप अपनी ज़बानी बताएं कि किस तरह की सिचुएशन है कश्मीर की इस हवाले से, डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से, और आपने इस बारे में, इस फील्ड में क्या क्या काम किया है. जी, बेसिकली डोमेस्टिक वायलेंस एक बहुत मिसअंडरस्टूड वर्ड है कश्मीर में. कश्मीर में लोगों को लगता है कि जहां पर मार पड़े बस वो डोमेस्टिक वायलेंस होता है. डोमेस्टिक वायलेंस के मायने जो हैं उन वो जानते नहीं हैं. डोमेस्टिक वायलेंस इज एनी काइंड ऑफ अब्यूज. Abuse is not just hitting, not just physical, mental. Abuse is not just physical, it is mental. If somebody is torturing you, somebody is wo kehte hai na Kashmir taane maar raha hai, wo aise hi samajhte hain, to jiski wajah se aapke jo hai dimagi halat pe jo hai asar pad raha hai, ya you know this is I mean it's, agar aap mujhe, kyunki hamare paas waqt ki kami hai, अगर आप मुझे डोमेस्टिक वायलेंस के पास बारे में पूछें तो इट्स अ ह्यूज थिंग कि अगर आप जो जहनी तौर पे जो हैं आप पे असर हो रहा है किसी चीज़ का, किसी की बात से या किसी के, कोई आप पे टॉर्चर कर रहा है किसी भी चीज़ की वजह से, तो वो डोमेस्टिक वायलेंस है. ना कि सिर्फ आपको अगर थपेड़ पड़ रहा है तो वो डोमेस्टिक वायलेंस है. तो औरतों को ये समझना बहुत ज़रूरी है, और हमें समझाए कौन? कोई हमें समझाने वाला है नहीं. वो इसलिए क्योंकि हम समझ गए कि डोमेस्टिक वायलेंस होता क्या है, तो हर घर से एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस आएगा, चाहे वो अमीर से अमीर तरीन या गरीब से गरीब जो गुरबा हैं उनके घरों से जो है डोमेस्टिक वायलेंस का केस निकलेगा. तो यू नो मंजूत, आई विल नॉट शाई अवे, एंड मैं मतलब मैं डरूंगी नहीं, खैर इस बार ये बोलने में, कि हर घर में मजॉरिटी में डोमेस्टिक वायलेंस होता है किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी तरह से. चाहे आप कितने सक्सेसफुल हो, चाहे आप कितने ही जो है पढ़े लिखे और यू नो कहीं से भी हो, आपके साथ एक औरत को अपने इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है कि क्या मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है. क्या ये जो हम आजकल सबका डिप्रेशन कह रहे हैं, ये डिप्रेशन कहाँ से आ रहा है? सो वी नीड टू रिकॉग्नाइज दैट. और सिर्फ औरतों को नहीं, मर्दों को भी समझने की ज़रूरत है कि ये मेरी बीवी के साथ या मेरी बेटी के साथ या मेरी बहन के साथ ये जो हो रहा है, कहीं हम अननोइंगली यू नो वायलेंस तो नहीं कर रहे इस लड़की के साथ? तो दोनों जेंडर्स को ये समझने की ज़रूरत है. इट इज़ नॉट जस्ट फॉर वेमेन, इट इज़ फॉर मेन एज वेल. फिर आप ये कहेंगे कि जिनको हम आजकल फेमिनिस्ट
कहते हैं, फेमिनिस्ट्स हैं, अरे ये तो फेमिनिस्ट है, अरे ये तो वेमेन राइट्स की बात करते हैं, अरे ये वेमेन राइट्स की बात करने की ज़रूरत हर एक को है, इवन मेन हैव सर्टन राइट्स और वेमेन, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे जब आप हमारे मुआशरे में देखेंगे तो औरत होना कभी कभी हमें ऐसा महसूस किया करवाया जाता है कि ये एक एहसास से कमतरी होती है औरतों में, अरे मैं तो औरत हूँ, और मर्द में एहसास से बरतरी होती है, ये तो औरत है, यू नो, तो वो चीज़ को रेक्टिफाई करने की ज़रूरत बहुत ज़रूरी है कि आप अक्सर जो है आप जब शादी करते हैं किसी के साथ, एक मर्द जब एक औरत के साथ शादी करता है तो उसको लगता है कि यू नो अगर मामूली सी गलती हो गई, अरे आई कैन गिव हर अ पीस ऑफ पेपर एंड यू नो शी इज आउट ऑफ माई लाइफ, बट इट शुड नॉट बी दैट ईजी. आप देखिए नंबर ऑफ डिवोर्सेस क्या है यहाँ पर, क्यों है, अगर आप इस्लाम किसी भी मजहब के बारे में, बट मैं आपको शायद मेरा एक एक्सपर्टीज, मतलब मैं थोड़ा एक्सपर्टीज नहीं कहूँगी, बट क्योंकि मैं कुरान पढ़ी हूँ या सुन्नत जो है हमारे प्रॉफिट के सेंग्स हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कहते हैं कि मतलब ये है कि अल्लाह ताला को जो हलाल चीज़ों में सबसे ज़्यादा नापसंद है, जिससे अर्श हिलता है, वो तलाक है. और हमने इसको इतना जो आप देखेंगे कि हर जगह तलाक 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 क्यों हो रहा है, वो इसलिए बिकॉज हम सही एजुकेशन नहीं दे रहे हैं. और औरतों को अगर आप ये कहते हैं कि औरतें देखिए मंजूत, अगर हमको ये लगे कि हमारे राइट्स कोई सेफ गार्ड कर रहा है, कोई हमारे बदले भी बोलेगा, तो हमें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. बट हमारे बदले कोई बोलने के लिए आ ही नहीं रहा है. नोबडी इज़ टॉकिंग ऑन वेमेन राइट्स राइट नाउ. यू सी नो रिलीजियस, नोबडी टॉक्स अबाउट. बहुत ओकेजनली आप एक स्टेटमेंट देंगे, फला साहब ने स्टेटमेंट दिया कि आजकल तलाक बहुत हो रहे हैं और ये होना नहीं चाहिए, बट आप देखिए कि हर घर में अब्यूज़ हो रहा है. और आप शायद क्या आप डरे हुए हैं, क्या आप डर गए हैं कि शायद हमारे ही घर से अब्यूज ना हो? अगर हम ये आप ये बहुत बड़ी एक बात है कि अक्सर आप कई सारे पॉलिटिशियंस का मैं जिक्र करूंगी कि वो कहते हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में तो सब है, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में अस्पताल भी हैं, स्कूल भी हैं, बट नंबर ऑफ ड्रॉपआउट्स आप देखेंगे वहीं पर होंगे. क्यों? क्योंकि वहां पर अवेयरनेस नहीं होती है. अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है. क्या आप औरतों के हकूक के बारे में इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि आपको ये लग रहा है कि हमारे घरों में से जो है वायलेशंस की बू आ रही है? आई मीन इज इट लाइक दैट? आई थिंक इट इज लाइक दैट. एंड वी नीड टू, आई मीन हमें यू नो इट्स नॉट जस्ट मेन, आई मीन इट्स नॉट जस्ट वेमेन, इट्स इवन मेन. आप बताइए जब हमारे निकाह होते हैं तो आप एक यू नो एक इवेंट होता है तो आप देखेंगे हर एक डिसइंटरेस्टेड होता है, कोई इंटरेस्टेड नहीं होता और तो औरत के हुकूक और मर्द के हुकूक में. सब कबूल है कबूल, निकाह इज ऑल अबाउट दिस, कबूल है कबूल है कबूल है. मौल साहब जो बोल रहे होते हैं वो किसी को पता ही नहीं होती है. तो हमें अवेयर होने की ज़रूरत है. और हमें अवेयर कौन करेगा? कोई हमारे पास देखिए ट्रिपल तलाक का जो है कॉन्सेप्ट इस्लाम में नहीं है. There is no concept of triple talaq in Islam. But still, आप एक देखेंगे एक केस आ गया कुपवारा में ट्रिपल तलाक का, रिसेंटली कश्मीर में आ गया. कोई आपके लिए मसीहा बन के क्यों आ रहा है? किसी और मजहब का बंदा Why can't you stand for your rights? True. कोई और मजहब का बंदा आपको बता रहा है कि आप गलत कर रहे हैं. क्यों? क्यों वो आपको मसीहा बन रहा है? क्योंकि आप खुद अपने लोगों के मसीहा तो है नहीं, बने नहीं. तो कोई और अब जो है, हम तो शुक्रगुजार ही होंगे उन लोगों के जो हमारे राइट्स के बारे में बात करेगा, जो औरत को एक टिश्यू पेपर की तरह आप इस्तेमाल कर रहे हैं कि आप तीन दफा हर तीन महीने में आप तीन दफा, कोई ग्राउंड्स ही नहीं है. बट फिर मुझे जी ये पसंद नहीं आई, इसने जी ऊंची आवाज में बात की, इसने जी फलान किया, इसने जी मेरी बहन के साथ बात नहीं की. यही होते हैं, यही हमारे मसाइल होते हैं और यही भी डोमेस्टिक वायलेंस. बट कुरत मैं यहाँ पे आपको रोकूंगी. एक सिंस आई हैव आल्सो बीन इन द सेम फील्ड, डोमेस्टिक वायलेंस पे मैंने भी काफी साल काम किया. कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वुमेन राइट्स की हम लोग बात करते हैं लेकिन कई दफ़ा काफ़ी दफ़ा ऐसा भी होता है कि औरत भी बहुत हद तक गलत होती है और ऐसे गलत होती है जिसकी आज के वक्त में अगर हम राइट्स की बात करें या कानून की बात करें वो बहुत ज़्यादा फीमेल ओरिएंटेड हो रहे हैं. ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है मंजोत कि औरत की दुश्मन ही औरत है. अगर मर्द को सुनाने वाली औरत दूसरी औरत ना हो, चाहे वो किसी भी
फॉर्म में हो, वो औरत, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो कोई और, वो किसी भी फॉर्म में वो औरत हो, अगर वो उसको सुनाने के लिए यू नो सुनाए ना उसको कॉन्टिन्यूसली, तो वो शायद शायद मैं ये कहूँगी कि वो अपनी बीवी के साथ जो है ज्यादतियाँ ना करे। बट अनफॉर्चुनेट ये है कि औरत ही औरत की दुश्मन है, तो कैसे बचाया जाए? वही बात है ना कि उनको सही गाइड करने वाला भी कोई नहीं है, कोई नहीं। आप बड़े बड़े मोहल्ले में हमारे कितने सारे लोग, हमें तो पिरवर कहा जाता है हमारे बारे में, तो ये कितने सारे जो है उलमा हमारे यहाँ है, क्यों नहीं औरतों के हकूक के बारे में बात करते, क्यों नहीं बात करते एक मर्द को, एक शौहर को एक अपनी बीवी के साथ कैसे जो है पेश आना चाहिए, एक सास को अपनी बहू के साथ कैसे पेश आना चाहिए, या एक बहू को अपनी सास के साथ कैसे पेश आना चाहिए। इतनी सारी इंटरफेरेंसेस आप देखिए, एक लड़की एक बिल्कुल अलहदा माहौल से आती है, एक मुख्तलिफ माहौल से आती है, एक डिफरेंट सेटअप में आती है, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे यू आर एक्सपेक्टिंग हर टू बी परफेक्ट, you are expecting her to be learned, it is not possible in these today's world, a woman is you know she is you know doing 50% of your, more than 50% of your work, she is working, she is earning money, she is taking care of your kids, she is making your survival easier, absolutely, and you are expecting her to be perfect, उसकी गलती हो सकती है, वो डिप्रेस क्यों इतनी औरतें हैं, आप देखिए कि क्यों सुसाइड्स हो रहे हैं। The worst part is कि मैं आपको वाज़ह तौर पे कह सकती हूँ कि बहुत सारे क्राइम्स जो है, मेजॉरिटी ऑफ द क्राइम्स आर नॉट रिपोर्टेड, ट्रू, नहीं रिपोर्ट हो रहे हैं, बड़े घर की लड़कियां हैं, बड़े घर की बहुएं हैं, बड़े घर की यू नो। तो कुरत, आपकी आपकी ऑर्गेनाइजेशन मतलब हाउ हैव यू बीन अ पार्ट ऑफ इट, हाउ हैव यू सपोर्टेड these women? I have been supporting them as a counselor. देखिए, मैं काउंसलिंग में उनकी बहुत you know, since I said that you know it is very important, you can't be a counselor unless you are a social worker. You know, if you have not read counseling, you cannot connect. You cannot connect. So yes, कई सारी जगहों पे हम कोशिश करते हैं, देखिए हम चाहते हैं कि जो बेसिक बात बढ़ने से पहले ही जो है खत्म हो जाए, या हम घर ना टूटे, सबसे बड़ी बात है घर ना टूटे, तो हम शौहर को समझाने की कोशिश करते हैं, जो है लड़की को समझाने की, कई सारी जगहों पे लड़कियों की गलती होती है, ऐसी नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ जो है सास गलत होगी या सिर्फ शौहर गलत होगा, कई बारी जो है बीवियां भी गलत हो सकती हैं, बट ऐसा कि जनरलाइज करना कि हमेशा एक औरत ही, जो हमारी सोसाइटी की खसूसियत है, बहुत खास है, कि ये इसकी तलाक हुई है तो जरूर जो है इसकी गलती होगी, तलाक के वक्त बेशक आप सपोर्ट करेंगे लड़की वालों की, फिर जब शादी की बात आती है मंजोत, तो एक विडो से या एक डिवोर्सी से शादी करना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है, इट्स कंसीडर्ड अ टैबू, या इट्स कंसर्न, वी हैव टू रिमूव इट, इट हैज टू गो, इट इफ वी डोंट स्टैंड फॉर आवरसेल्फ नोबडी इज गोइंग टू। और मैं रिक्वेस्ट आपके एएनएन के यू नो वसादत से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जो हमारे उलमा हैं, जो हमारे स्कॉलर्स हैं, जो हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, वो इसके बारे में बात करें, सिर्फ उलमा नहीं, स्कॉलर्स जिन्होंने इस्लामिक स्टडीज पढ़े हैं, वो क्यों नहीं बात करते, यू नो व्हाई कांट दे टॉक अबाउट डोमेस्टिक वायलेंस, बिकॉज डोमेस्टिक वायलेंस इज सच अ मिसअंडरस्टूड, यू नो सच अ मिसअंडरस्टूड टर्म, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड इट फर्स्ट, ये बहुत जरूरी है। आई ऑल्सो बिलीव सबसे पहले एक औरत अपने हक के बारे में बात नहीं करेगी तो उसके लिए कोई उसके हक के बारे में बात करने नहीं आएगा। तो सही बात है मंजीत, वो बिल्कुल सही बात है कि औरत को बात करना जरूरी है, बट औरत को सुनना भी जरूरी है, औरत बात करे बट सुनने वाला भी तो कोई हो, सुनने वाला हमारा मुआशरा है, जब तक हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे चीजें, हम वी आर लिविंग इन अ स्टोन एज मंजीत, we are still living in a stone. Yes, we talk about Kashmir. We talk about technology, we talk about internet. Hum 4G ko lekar pareshan hain but divorces ko lekar pareshan nahi hain. Very unfortunate. Hum 4G ko lekar pareshan hain, hum you know kehte hain ab to hamare paas 5G aayega, ab to hamare paas ye technology aayegi, ab to robots aayenge, ab to apne jo zinda log hain unko thodi izzat dena seekho, apne ek bhai ko apni behan ke bare mein पता करें कि मेरी बहन ठीक तो है,
एक माँ, एक फादर, एक वालिद, एक वालिदा, एक बहन अपने बारे में, बहन बहन के बारे में पता करे कि वो ठीक तो पहले तो ये भी अनफॉर्चुनेट है, ये जो न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम आया इसने सबको इलाहदा कर दिया है. एक यू नो पीपल हैव बिकम डिप्रेस्ड, दे आर लोनली, यू नो दे आर अलोन, देर इज़ नोबडी टू लिसन टू देम. And people now feel, पहले तो है ना कि कश्मीरी में बोलते हैं कि वैसे आसपान में इनका हाथ करा मान चू, किसी के पास किसी के लिए वक्त ही नहीं है. तो वो भी एक बहुत बड़ा. और ये है कि अगर मैं विमेन राइट्स के बारे में बात करती हूँ तो मैं सिर्फ बहू के बारे में बात नहीं करूँगी, मैं एक सास के बारे में भी बात करूँगी, मैं एक यू नो बीवी के बारे में बात करूँगी, मैं हर एक के बारे में. बट कोई सुनने वाला तो, और मेरी बात चले शायद बोले अरे ये तो आप बड़ी एक्सपर्ट बन गए, तो एक्सपर्ट्स बात करें ना. अगर मैं एक्सपर्ट बनने की कोशिश कर रही हूँ तो एक्सपर्ट्स आए और बात करें. तो कुरत, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में लोगों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है और इसकी एग्जीक्यूशन किस तरीके से की जाए वो भी आपने बताया कि औरतों को किस तरह से इसका इसको इसके साथ डील करना चाहिए और सोसाइटी को कैसे इसके साथ डील करना चाहिए. इसके बाद बात करेंगे आपकी एक अचीवमेंट के बारे में जो हमें पता चली है, विच इज़ एक न्यूयॉर्क बेस्ड फेलोशिप के लिए आप सिलेक्ट हुई जिसका नाम है एक्यूमेन. और आपके साथ हमारे कश्मीर के लिए बहुत फख्र की बात है कि आपके साथ ए आर रहमान की जो बेटी हैं वो भी सिलेक्ट हुई हैं इस सेम फेलोशिप के लिए. सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद इसके लिए. और वी जस्ट टेल अस अ लिटिल अबाउट इट सिंस वी आर रनिंग अ लिटिल शॉर्ट ऑन टाइम. सो दिस दिस फेलोशिप हैज बीन एन अमेजिंग इनक्रेडिबल जर्नी फॉर मी. इट वाज यू नो सिंस सितंबर आई हैव बीन यू नो इसमें पास करने थे, लाइक देयर वर डिफरेंट फेजेस यू नो. So there were three phases and I crossed, alhamdulillah, I passed all three phases. And perhaps, I am the first woman from Kashmir. So I am really, you know, Allah Ta'ala ka bahut shukar hai ki this is 1 year fellowship and it's a leadership program. And it's an amazing, you don't have, it's an international organization. Isse aapko ek platform milta hai. लाइक यू नो यू कैन एक्चुअली, क्योंकि कश्मीर में ये भी एक अनफॉर्चुनेट बात थी कि एनजीओस का भी एक माफिया बन गया था कि कोई भी डेलीगेशन बाहर से आता तो एक पर्टिकुलर ग्रुप के पास चला जाता. पर थैंकफुली जो ये प्लेटफॉर्म है इससे आप यू नो यू कैन मीट बिग पीपल एंड यू कैन यू नो यू आप अपनी जो दास्तान है सुना सकते हैं. यू कैन रिप्रेजेंट योर स्टेट, यू कैन टॉक अबाउट योर यू नो प्रॉब्लम्स एंड यू कैन यू नो यू कैन डू वंडर्स. आई मीन अगर इसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यस आई वुड लाइक टू मेंशन वन ऑफ माय फ्रेंड्स, मेरे भाई की तरह सजाद रसूल, जिन्होंने मुझे बहुत जो है फोर्स किया कि मैं ये. आई थिंक ही इज आल्सो अ पार्ट ऑफ दिस. ही हैज बीन अ पार्ट. ही वाज 2019. या ही वाज अ फेलो 2019. आई थिंक ही वाज इन जर्मनी एंड ऑल आफ्टर दैट. बट यस ही वाज द वन हु आस्क्ड मी टू यू नो ही रिकमेंडेड यू. या ही रिकमेंडेड मी एंड ही आस्क्ड मी टू, ही सेड यू विल गो 100%. तो मेरे बहुत-बहुत मुबारकबाद आपको इसके लिए. और मेरे एक पैनलिस्ट भी थे, ही हैड कम टू कश्मीर थैंकफुली. आई मीन ही इज अ ग्रेट गाय. ही हैड कम तो उन्होंने कहा, मैंने कहा मैं सिलेक्ट हूँ, तो बोला अगर तुम नहीं होती तो कोई नहीं होता. सो आई एम ग्लैड दैट यू नो दे रेकग्नाइज्ड यू नो माय वर्क. वी आर रियली प्राउड ऑफ यू, द होल वैली इज प्राउड ऑफ यू. एक आखिरी बात करेंगे मास मैरिजेस के बारे में जो कि आपने एक यहाँ पे, यस विच इज़ वेरी क्लोज टू योर हार्ट एंड यू स्टार्टेड ऑफ विद अ ट्रेंड इन कश्मीर. आपने एक ट्रेंड स्टार्ट किया था यहाँ पे मास मैरिजेस का, उस हवाले से हमें क्विकली बताएं कि हाउ डिड इट वर्क. सिंस वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, यस वी आर, आई रियली वांट टू कीप टॉकिंग टू यू एंड यू नो टेल पीपल हाउ अमेजिंग यू आर, बट वी आर रियली रनिंग शॉर्ट ऑन टाइम. 2018 आई डिड द फर्स्ट मास मैरिज बिकॉज एज आई सेड द एरिया आई वाज वर्किंग इन वहां पे जैसे आप जानते हैं ताउन जिसे कहते हैं लेट मैरिजेस का. यहाँ पर गर्ल्स आर क्रॉसिंग देयर 40s एंड दे आर क्रॉसिंग द मैरिजेबल एज एंड दे आर नॉट गेटिंग मैरिड बिकॉज हमने एक डॉवरी का बहुत बड़ा जो है, हम कहते हैं हम तो डॉवरी देते नहीं हैं बट लड़की को सब दे देते हैं. तो डॉवरी का कॉन्सेप्ट जो है वो भी हमें नहीं है, हमें वो भी समझने की ज़रूरत है कि जहाँ पर लड़की को सिर्फ 5 सूट दिए जाए वहाँ पर 70 या 100 सूट क्यों दिए जाते हैं. तो वो भी हमने खुद ही जो है बाकी लड़कियों की ज़िंदगी जो है मुश्किल बना दी है. तो 2018 में मैंने पहला शुरू किया क्योंकि वहाँ पे यू नो इंडिविजुअल केसेस आ रहे थे बड़गाम में कि इसकी शादी हो उसकी शादी हो ये थीम है. देन
as I said, I work on a database. So we collected a database and jinki, you know, jo deserving the और जिनकी शादी बिल्कुल नज़दीक थी, बट माँ बाप जो है ज़मीन बेचने में लगे हुए थे बस कि अब ज़मीन बेचनी है, शादी करवाने की शादी करनी है, सो वी स्टॉप देम, वी सेड वी आर नॉट गोइंग टू लेट यू यू नो सेल ऑफ योर लैंड, दिस इज योर यू नो दिस इज समथिंग व्हिच यू शुड कीप, एंड वी असिस्टेड सम 50 गर्ल्स 50 कपल्स फॉर दैट मैटर विद एट द फर्स्ट वाज लाइक यू नो वी गेव अ बिट ऑफ गोल्ड, हमने सोचा यू नो, एंड मेरा सबसे बड़ा ये था कि लड़कियां जो है ये महसूस ना करें कि चैरिटी हो रही है, जो मैं हमेशा कहती हूँ हमने बिल्कुल वन वन किया कश्मीरी जिसे कहते हैं, गाना सुनाया, बट हाँ एक बिरयानी की एक रखा और कावा वगैरह वो सब नहीं किया, वो 2018 की थी, बहुत मज़ा आया, बहुत दुआएं मिली अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत लोग जुड़े मुझसे हमसे, तो उसके बाद 2019 का तो आप जानते हैं थोड़ा बहुत हालात का उधर, बट स्टिल हमने वी मेड इट श्योर दैट 50 या 50 कपल्स गेट, फिर आप जानते हैं कि कोविड हो गया 2020 में, फिर हम कोविड के साथ बहुत ज़्यादा लग गए, मगर जो एक इंडिविजुअल बेसिस पे कहीं पर हम 5 की कर रहे थे, कभी 2 की कर रहे थे, तो क्योंकि हम एक साथ नहीं कर पा रहे थे, तो मुझे लगा अराउंड 30-40 केसेस हम कर चुके हैं 2020 में भी, बट इंशाल्लाह 2021 आई हैव अ प्लान, आई कॉल दैट टू मास पैरिश 3, सो वी हैव 1, 2, 3, वी हैव सीरीज, सो आई कॉल इट, मैं कह रही हूँ नहीं मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, यू विल डू इट अगेन, आई एम गोइंग टू डू मास मैरिज आश मास शादी 3.5, ओके, सो आफ्टर रमदान इंशाल्लाह आई एम प्लानिंग टू डू इट। चलिए बहुत बहुत मुबारक फॉर ऑल द थिंग्स यू आर डूइंग फॉर द वैली, फॉर द वुमेन, फॉर एवरीवन। इसके साथ कुरत जी एक अच्छा सा मैसेज दें हमारे व्यूअर्स को, बिकॉज यू आर एब्सोल्युटली इंस्पायरिंग सो मेनी वुमेन आउट देयर इंक्लूडिंग मी ऑफ कोर्स, तो क्या मैसेज रहेगा आपका कश्मीर के लोगों के लिए, खास करके यहाँ की औरतों के लिए? यहाँ की औरतों के लिए ही नहीं, यहाँ के मर्दों के लिए भी मैं देना चाहूँगी कि हमें अपना वर्थ समझना बहुत जरूरी है, और यू नो लेट्स बी काइंड, जैसे डॉक्टर इसरार से मैं बहुत मुतासर हूँ, वो कहते हैं कि अगर आप किसी को मुसीबत में देखो तो वो कहते हैं आप नेक हो सकते आप सॉरी आप यू नो आप एक कुछ भी हो, स्कॉलर हो सकते हैं, मैं एग्जैक्टली वो वर्ड्स बोल रहे हैं, मौलिम हो सकते हैं, मुअस्सर हो सकते हैं, बट आप नेक नहीं हो सकते, तो नेक बनना बहुत ज़रूरी है, तो यू नो लेट्स बी काइंड टू ईच अदर एंड लेट्स सपोर्ट ईच अदर, टू वेमेन आई वुड से दैट लेट्स सपोर्ट ईच अदर, लेट्स सपोर्ट यू नो मर्द, तो खैर मुझे लगता है मर्द एक ऐसा है कि अगर औरतें उनको ना कुछ बोले तो वो यू नो दिल बी कूल, तो हमें जो है एक दूसरे के साथ जो United है हमदर्दी करने की जरूरत है, और हमें एक दूसरे का साथ देने की जरूरत है, sympathy से ज्यादा आई थिंक empathy इज मोर इम्पोर्टेंट राइट नाउ, एक बहु सास को अपनी बहू को बेटी की तरह देखना चाहिए, और एक बहू को अपनी सास को अपनी माँ की तरह देखना चाहिए, और जो बाकी जो मेंबर्स ऑफ द फैमिली चाहे वो आपकी ननंद हो या उनको अपनी भाभी को, वो थोड़ा बहुत वक्त देना चाहिए कि वो समझ सके उस Is she doing fine? No, एक तो उसको अंडरस्टैंड करने की बहुत ज़रूरत है, और दूसरा ये कि खुदा रा आप ये सोचें जो नई नवेली लड़की आती है वो एक मुख्तलिफ सेटअप से आती है, मुख्तलिफ हर घर का एक अपना माहौल होता है, और एक डिफरेंट माहौल से उसको वो वक्त दीजिए, वो क्या वो आपके वो उस सांचे में जो है वो डल सके, और आपकी बहनों की तरह आपकी बेटी की तरह जो है आपकी फैमिली का एक पार्ट बने। बहुत बहुत शुक्रिया कुरत, अपना वक्त कीमती वक्त निकाल के हमारे स्टूडियो आने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। तो दोस्तों ये थी हमारे साथ कुरत मसूदी जी, जिन्होंने आश ऑर्गेनाइजेशन को एक बहुत ही ऊंचे मुकाम तक पहुंचाया, और अपने उसके साथ साथ पूरी वैली में, पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में हमारा नाम रोशन किया है, और अगले हफ्ते फिर से मुलाकात होगी एक और खास गेस्ट के साथ, तब तक सब अपना ख्याल रखें और जुड़े रहें कश्मीर के वाहिद न्यूज़ चैनल ANN के साथ।